दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि संतान सप्तमी की व्रत कथा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि संतान सप्तमी का व्रत क्यों किया जाता है और उसकी पूजा विधि की किस तरीके से संतान जिन महिलाओं के पुत्र है या पुत्री है, जो भी संतान है, उनके लिए व्रत किया जाता है जो कि भादो मास के सप्तमी तिथि को आता है। बहुत ही खास महत्व होता है इस दिन, क्योंकि संतान सप्तमी व्रत है वो खास महत्व इसलिए किया रखा जाता है क्योंकि संतान सप्तमी को आप बहुत पूजा पाठ कर सकते हैं अपने संतान के लिए, लंबी आयु के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि खास इसलिए माना जाता है क्योंकि संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भाद्रपद मास में संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। इसे संतान साते भी कहते हैं। इस बार ये व्रत सितंबर 2024 में मनाया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान साते, अपराजिता सप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में इसे दुबड़ी साते, दुबड़ी सप्तमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है, सेहत भी अच्छी रहती है। तो आगे हम जानते हैं कि कब ये व्रत कर सकते हैं, इसकी पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि कब है संतान सप्तमी व्रत 2024। तो पंचांग के अनुसार अगर हम जाने तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 9 सितंबर सोमवार की रात को 9:53 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 10 सितंबर मंगलवार की रात को 11:12 तक रहेगी। चूँकि सप्तमी तिथि का सूर्योदय 10 सितंबर को होगा, इसलिए इसी दिन संतान सप्तमी व्रत किया जाएगा। इसकी पूजा विधि जानते हैं कि हम किस तरीके से संतान सप्तमी व्रत कर सकते हैं। संतान सप्तमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। घर के किसी स्थान की अच्छे से सफाई करें और उसके ऊपर पटिया रखकर लाल कपड़ा बिछाएं। वहाँ पर शिव जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पानी का कलश भरकर इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और आम के पत्तों से ढककर उसके ऊपर नारियल रख दें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान शिव को फूल, जनेऊ, अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, पान, सुपारी आदि चीज़ें चढ़ाएं। खीर पूरी का प्रसाद और आटे और गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाएं। पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद भगवान शिव जी की आरती करें। इस दिन व्रत रखें, अपनी इच्छा अनुसार फल और दूध ले सकते हैं। और धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर हम जाने तो संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की सेहत ठीक रहती है, उम्र भी बढ़ती है। संतान सप्तमी व्रत कथा। किसी समय अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रवती की एक सहेली थी जिसका नाम रूपवती था। एक दिन दोनों सहेली नदी स्नान करने गई और वहाँ उन्होंने देखा कि सभी महिलाएं संतान सप्तमी की पूजा कर रही हैं। उन महिलाओं को देख रानी और उनकी सहेली ने भी संतान सप्तमी का व्रत का संकल्प लिया, लेकिन बाद में वो भूल गई। अगले जन्म में जब वो रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी तो इसके बाद उसने पुनः मानव योनि में जन्म लिया। इस बार रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी वे दोनों सहेली थी और उनमें प्रेम भी था। भूषणा ने इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान हुई। रानी को इस जन्म में संतान साथे का व्रत नहीं किया जिसके कारण उसे कोई संतान नहीं हुई। और भूषणा को पुनर्जन्म की बातें याद थी, इसलिए उसने अपने पिछले जन्मों की बात जाकर रानी को बताया। भूषणा की बात सुनने के बाद रानी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया जिसके फलस्वरूप उसे भी कई योग्य संतान मिली। और इस कथा को सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अब हम जानेंगे कि संतान सप्तमी के व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संतान सप्तमी के व्रत में आटे और गुड़ से बनी मिठाई या पूरी, खीर का भोग लगाया जाता है। इस दिन पूजा में कथा भी सुनी जाती है।
संतान सप्तमी व्रत से कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर विष्णु और शिव पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के समय चौक बनाकर उस पर भगवान शिव पार्वती की मूर्ति रखी जाती है। इनकी पूजा करने के बाद उन्हें चढ़ाया गया भोग की ही ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि अगर इसी साल संतान का विवाह हुआ है तो उस संतान की संतान सप्तमी को उद्यापन किया जाना चाहिए। उद्यापन के लिए मीठे बाजरे की 13 मीठी पूड़ियाँ, 1 रुपये का सिक्का और साड़ी रखकर पूजा में चढ़ाई जाती है। इसके बाद इसे घर की बुजुर्ग महिला या फिर सास ननद में से किसी को देकर भी आशीर्वाद लिया जाता है। अब व्रत के समय आप दूध और दही का सेवन कर सकते हैं, बादाम काजू किशमिश आदि सूखा फल खा सकते हैं, कुट्टू के आटे से बना भोजन जैसे कि पूरी पराठा आदि खा सकते हैं, सेवैयाँ दूध या दही के साथ खा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्न को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और पूजा के समय आपको पूरी खीर या फिर आटे या गुड़ से बने हुए मिष्ठान ही आपको उपयोग में लेने हैं, ये खास चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको पूजा किस समय करनी है? संतान सप्तमी के दिन आपको सुबह 7:40 से सुबह 9:11 तक पूजा आप कर सकते हैं। जिनके संतान नहीं है वो भी संतान सप्तमी का व्रत कर सकते हैं। तो रथ सप्तमी के दिन आपको, संतान सप्तमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, जो खास चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सूर्य देव की पूजा करने के बाद जो व्यक्ति नमक का भोजन नहीं खाना चाहिए और इस दिन केवल फल खाना चाहिए, इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। रीना के चैनल इंडिया ब्लॉग्स है। हरे कृष्णा।